हेलो दोस्तों, आज जो अमीरात D10 का दुबई वर्सेस शारजा के बीच में आज का सेकंड मैच ये रहने वाला है दोस्तों, इस मैच का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों रिसेंटली जो परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की, उसके हिसाब से देखते हो दोस्तों, कुछ स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहे हैं, तो आपको दोस्तों इस मैच के अंदर कुछ स्पिनर खेलते हुए दिख सकते हैं जो कि दोस्तों रेगुलर स्पिनर रहते हैं और दोस्तों विकेट टेकर बॉलर रहते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी जो लास्ट 2-3 इनिंग्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आई है। वो कौन कौन से प्लेयर्स रहने वाले हैं दोस्तों, उनका रिकॉर्ड भी साथ में कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको सारा कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और फाइनल अपडेट जो रहेगी या फिर ड्रीम 11 टीम के अंदर कोई भी चेंज अगर रहता है, उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आप पे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले इनके जो रिकॉर्ड रहे हैं पहले हम वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में ड्रीम इलेवन की टीमें क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में अगर देखें दोस्तों, मलिक क्रिकेट ग्राउंड अजमान के अंदर ये मैच होने वाला है। अभी तक 28 मैचेस टोटल हो चुके हैं, 29वां मैच होने वाला है, ये 30वां मैच रहने वाला है। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों मात्र 11 मैच विन किए हुए हैं, चेज करने वाली टीम ने 17 मैच इस ग्राउंड के ऊपर विन किए हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर 100 रन रहा है, वहीं पर चेज करने वाली टीम का एवरेज स्कोर 106 रन अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर रहा है। वहीं पर दोस्तों विकेट स्प्लिट की अगर बात करें तो दोस्तों पेसर्स के नाम ज़्यादा विकेट जरूर रहे हैं, 28 मैचेज के अंदर 183 विकेट जो रहे हैं वो पेसर्स के नाम में रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों लास्ट के 5-7 मैचेज का अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों, स्पिनर्स ने अच्छे खासे विकेट निकाले हुए हैं। स्पिनर्स के लिए दोस्तों थोड़ी सी ये पिच जो रही है वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, तो दोस्तों स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। स्पिनर्स को लास्ट अगर 5-6 इनिंग्स का रिकॉर्ड अगर देखें, टोटल 28 मैचेज के अंदर 98 विकेट रहे हैं, जिसमें से 70% जो विकेट रहे हैं दोस्तों लास्ट 10 मैचेज के अंदर स्पिनर्स ने निकाले हुए हैं। दुबई की जो लास्ट मैच की प्लेइंग 11 रही थी दोस्तों, उसके हिसाब से अगर रिकॉर्ड देखें दुबई दोस्तों लास्ट 5 के 5 मैच जो रहे हैं वो हार चुकी है, एक भी मैच इन्होंने विन की नहीं किया हुआ है। लास्ट मैच की जो प्लेइंग 11 रही थी उसके हिसाब से देखें दोस्तों, हरिदे सरवानी दोस्तों ये इनके लास्ट मैच के ओपनिंग करने आए थे, 3 मैच अभी तक खेले हुए हैं T10 के, 32 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। लास्ट 3 इनिंग्स के अंदर 18 और 12 रन की 2 पारियां खेली हुई है, थर्ड लास्ट मैच के अंदर बैटिंग इनकी नहीं आई थी। आर्यन लकड़ा दोस्तों रिसेंटली ओपनिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही है, 10-12 रन का स्कोर कर रहे हैं, साथ में दोस्तों बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों ये रिस्की प्लेयर बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ओपनिंग करेंगे साथ में आपको बॉलिंग भी करके देने हैं। अगर 10-12 रन कर जाते हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग रहती है तो भी दोस्तों आपको ये अच्छे खासे 30 पॉइंट दे सकते हैं, तो दोस्तों इनको जरूर अपनी टीम के अंदर ट्राई कीजिएगा। तैमूर अली दोस्तों ये इनके प्रॉपर नंबर 3 के प्लेयर रहने वाले हैं, रिसेंटली फॉर्म भी अच्छी चल रही है, 37 मैचेज के अंदर 574 रन और बॉलिंग रिसेंटली T10 के अंदर नहीं करते हैं, T20 के अंदर बॉलिंग करते हैं लेकिन T20 के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। लास्ट अगर 4-5 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखें तो हर मैच के अंदर 20+ का इनिंग्स इन्होंने खेला हुआ है। लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 156 रन की पारी भी इनके बैटिंग से आई हुई है, थर्ड लास्ट मैच के अंदर 56 रन उन्होंने बनाए थे। लास्ट एड टू एड मैच वाला उसके अंदर भी दोस्तों यही प्लेयर रहे थे जिन्होंने 21 रन की पारी खेली थी, बाकी सारे प्लेयर दोस्तों इनके फ्लो पे रहे थे। साफिर तारिक की अगर बात करें नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं, विकेट कीपिंग ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, 15 मैच के अंदर मात्र 216 रन इनके नाम रहे हैं। मयंक राजेश 7 मैच के अंदर 85 रन। वहीं पर दोस्तों नंबर 6 की अगर बात करें, वासी शाह दोस्तों पहले इनसे ओपनिंग करवाई गई थी लेकिन लास्ट मैच के अंदर नंबर 6 के ऊपर इनको उतारा गया था। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर रहने वाले हैं, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्लेयर के ऊपर रन ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 38 मैच के अंदर 923 रन इनके नाम रहे हैं। रिसेंटली इस सीरीज़ के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर रहने वाले हैं। अगर ये दोस्तों 20-22 बोले खेल लेते हैं तो आपको अच्छा खासा 30-40 रन का स्कोर करके दे सकते हैं, अटैकिंग प्लेयर रहते हैं लेकिन इस सीरीज़ के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। नीलेश केसवान दोस्तों स्पिनर ऑप्शन रहने वाले हैं, 18 मैच के अंदर 20 विकेट इनके नाम रहे हैं। लास्ट 5 मैच के अंदर दोस्तों हर मैच के अंदर मिनिमम 1 विकेट इनके नाम जरूर रहता है। मोहम्मद फारूक 37 मैच के अंदर 39 विकेट इनके नाम रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 4 विकेट ये भी निकाल चुके हैं, पूरे के पूरे 2 ओवर करने वाले हैं। शाहिद नवाज़ की बात करें दोस्तों 7 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 7 मैच के अंदर मात्र 4 विकेट ही निकाल पाए हैं, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 2 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। जयदित्य मलिक 13 मैच खेले हुए हैं, 13 मैच के अंदर मात्र 4 विकेट। राहुल भाटिया दोस्तों स्पिनर ऑप्शन रहने वाले हैं, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 6 विकेट ये भी निकाल चुके हैं। स्पिनर्स को दोस्तों अच्छे खासे विकेट इस ग्राउंड के ऊपर मिले हुए हैं। वहीं पर दोस्तों इनके कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड अगर देखें, फरमान अफरीदी दोस्तों ये पेसर्स रहने वाले हैं, 5 मैच के अंदर 5 विकेट। वंश कुमार 2 मैच के अंदर 4 रन।
रौनक पानोली दोस्तों ये ओपनर रहने वाले हैं, साथ में ये T20 के अंदर रिसेंटली जरूर ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बॉलिंग करते हैं। अभी बुखाते T20 लीग खेल रहे हैं तो हो सकता है इस मैच के अंदर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्योरली नहीं रहने वाला। लास्ट 5-6 इनिंग्स के अंदर 35 रन इनका ये स्कोर अभी तक रहा है। सौर्य सिंह 15 मैच के अंदर 121 रन। शिवाल बाबा ये भी स्पिनर ऑप्शन रहेंगे, 4 मैच के अंदर 6 विकेट। अब्दुल मलिक 14 मैच के अंदर 14 विकेट, स्टार्टिंग के मैच के अंदर खेले थे, अभी रिसेंटली बुखाती T20 लीग खेल रहे हैं तो हो सकता है इस मैच के अंदर ना खेले। वहीं पर दोस्तों शारजा क्रिकेट क्लब का अगर रिकॉर्ड देखें तो लास्ट 5 में से 3 मैच इन्होंने विन किए हुए हैं। इनकी भी दोस्तों प्रॉपर बैटिंग लाइनअप नहीं दिख रही है। यासिर खान दोस्तों लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग करवाई गई थी लेकिन दोस्तों ये नंबर 7-8 के प्लेयर रहते हैं, 7 मैच के अंदर मात्र 53 रन इनके नाम रहे हैं। खालिद शाह की बात करें 37 मैच के अंदर 481 रन जरूर इनके नाम रहे हैं लेकिन लास्ट अगर 5 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखें 14 रन मात्र इनका हाइस्ट स्कोर रहा है। ज़्यादातर जो पॉइंट रहे हैं दोस्तों वो इन्होंने विकेट कीपिंग से दिए हुए हैं। उस्मान खान दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर रहने वाले हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रहेंगे दोस्तों, यूएई की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मैचेज खेल चुके हैं। 29 मैचेज के अंदर 700 रन टोटल इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर 4 रन बनाए थे, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 55 रन की पारी इन्होंने खेली थी। मोहम्मद नादिम दोस्तों ये ऑलराउंडर रहने वाले हैं, हालांकि दोस्तों ये भी अटैकिंग प्लेयर रहते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप रहे हैं क्योंकि दोस्तों बॉलिंग साइड से एक ही विकेट निकाल पाए लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर, बैटिंग साइड से 23 रन इनका ये स्कोर अभी तक रहा है। ऐसा नहीं सका दोस्तों इनसे नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करवाई जा रही थी, लास्ट मैच के नंबर 5 के ऊपर भेजा गया था, 30 रन इनका ये स्कोर अभी तक रहा है। 15 मैचेज के अंदर मात्र 119 रन इनके नाम रहे हैं। दोस्तों बैटर्स नहीं चल रहे हैं, बॉलिंग साइड थोड़ी सी अच्छी रहने वाली है तो बॉलर्स को अपने टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पिक कीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहने वाला है क्योंकि दोनों साइड से विकेट गिरते हैं हर मैच के अंदर, तकरीबन 10-12 विकेट हर मैच के अंदर गिर रहे हैं हर मैच के अंदर दोनों साइड से अगर देखें तो, बॉलर्स थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर रह सकते हैं। फयाज अहमद की बात करें दोस्तों वैसे तो नंबर 3 के ऊपर खेल रहे थे लेकिन लास्ट मैच के नंबर 6 के ऊपर खेले थे, 22 रन की पारी लास्ट मैच के अंदर इन्होंने खेली थी। उजैर खान 7 मैच के अंदर 103 रन 3 विकेट, साथ में दोस्तों ये लास्ट थर्ड लास्ट मैच के अंदर 51 रन की पारी खेली थी, हो सकता है एक आधा और भी करके दे सकते हैं, मात्र 15 बॉलों के अंदर 51 रन इन्होंने बनाए थे। मोहम्मद सागिर खान 6 मैच के अंदर कोई विकेट नहीं निकाल पाए हैं, बैटिंग साइड से भी 6 रन ही मात्र इनके नाम रहे हैं, 6 मैच अभी तक खेले हुए हैं, 9 ओवर इन्होंने डाले हैं, 6 मैच के अंदर एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। मोहम्मद जायद अली की बात करें 11 मैच के अंदर 12 विकेट। मतीउल्लाह खान दोस्तों ये थोड़ी सी अच्छी ऑप्शन रह सकती है, 12 मैच के अंदर 18 विकेट, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 6 विकेट निकाल चुके हैं। तैमूर बाटी दोस्तों ये विकेट टेकर बॉलर रहने वाले हैं, इस मैच का ये की फैक्टर बन सकते हैं, 35 मैच के अंदर टोटल 40 विकेट इनके नाम रहे हैं T10 के अंदर। लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर अगर रिकॉर्ड देखें लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 5 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों स्पिनर ऑप्शन के अंदर आपको एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है जो कि रहेगा दोस्तों गोपाल कृष्णन, दोस्तों काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी, विकेट टेकर बॉलर रहता है, लास्ट मैच के अंदर जरूर इन्होंने विकेट नहीं निकाले थे, 41 मैच के अंदर 44 विकेट टोटल इनके नाम रहे, लास्ट मैच एक खिलाया था उसके बाद में इनको ड्रॉ पे कर दिया गया था। जुनैद शमसुद्दीन को दोस्तों 2 मैच खेलने का मौका मिला था, 10 और 11 रन की पारी खेली थी, 1 मैच के अंदर 2 विकेट भी निकाल गए थे उसके बाद में इनको ड्रॉ पे कर दिया गया था। करनाल जाहिद 6 मैच के अंदर 9 विकेट। कमर अवान दोस्तों प्रॉपर ओपनर रहने वाले हैं लेकिन इस सीरीज के अंदर ये भी फ्लॉप रहे हैं, 20 मैच के अंदर 462 रन। मुदस्सर अली की बात करें 33 मैच के अंदर 29 विकेट इनके नाम रहे हैं। मतीउल्लाह खान दोस्तों खेल रहे हैं तो इनको यहाँ पे हटा देते हैं। बाकी दोस्तों इनके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो रहे थे उनका रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। इनके अंदर दोस्तों की प्लेयर्स जो रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों कमर अवान अगर खेलते हैं तो, करनाल जाहिद विकेट टेकर बॉलर रहेंगे और दोस्तों यहाँ पे गोपाल कृष्णन स्पिनर ऑप्शन रहेंगे, स्पिनर को विकेट भी रिसेंटली अच्छे खासे मिल रहे हैं, इनको ज़रूर अपनी टीम के अंदर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए अगर देखें 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। खालिद शाह दोस्तों ओपनिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर दोस्तों 10 रन से ऊपर नहीं बना पाए, 1 मैच के अंदर 14 रन बनाए थे, बाकी इनके ज़्यादातर जो पॉइंट रहे हैं वो सारे सारे विकेट कीपिंग से ही देने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों फयाज अहमद की बात करें लास्ट मैच के अंदर नंबर 6-7 के ऊपर उतारा गया था लेकिन दोस्तों ये नंबर 3 के ऊपर भी बैटिंग करते हैं, रिसेंटली दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर तकरीबन 70% मैचेज के अंदर नंबर 3 के ऊपर ही इन्होंने बैटिंग की है। वासी शाह की बात करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर रहने वाले हैं लेकिन लास्ट मैच के इनको भी नंबर 6-7 के ऊपर उतारा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों साफिर तारिक नंबर 4 के ऊपर खेलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे दो सेफरी ऑप्शन की बात करें तो फयाज अहमद को आप यहाँ पे रख सकते हैं नंबर 3 के ऊपर ये खेल सकते हैं, साफिर तारिक नंबर 4 के ऊपर ही खेलने वाले हैं, विकेट कीपिंग से इनके अच्छे खासे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों साफिर तारिक को मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ, अगर आप चाहें दोस्तों आप यहाँ पे वासी शाह को दोस्तों अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। फयाज अहमद दोस्तों लास्ट मैच के नंबर 6-7 के ऊपर गए थे
दोस्तों इन दोनों को भी आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं। खालिद साहब दोस्तों इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा खराब फॉर्म इनकी चल रही है। T20 के अंदर भी इनकी 15 की एवरेज रहती है, T10 के अंदर इनकी एवरेज छोड़ ही देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर रहने वाला है। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, उस्मान खान नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करेंगे। पहले दोस्तों ओपनिंग भी करवाई जाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली नंबर 3-4 के ऊपर इनकी बैटिंग करवाई जा रही है। सेकंड लास्ट मैच के अंदर 50 भी लगा के आ रहे हैं। वहीं दोस्तों फारूक मोहम्मद की अगर बात करें दोस्तों, ये आपको पूरे 2 ओवर करके देने वाले हैं। रिसेंटली लास्ट 5 मैच के अंदर 4 विकेट भी निकाले हुए हैं। तैमूर अली की बात करें दोस्तों, रिसेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच के अंदर 20-25 रन का स्कोर कर रहे हैं। लास्ट 500 मैच के अंदर दोस्तों 20+ का स्कोर इन्होंने हर मैच के अंदर किया हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, 2 ऑलराउंडर्स को यहाँ पे पिक किया हुआ है। आर्यन लकड़ा दोस्तों ओपनिंग करने वाला है, साथ में आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। थोड़े से रिस्की बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ओपनिंग करेंगे, अगर दोस्तों 10-15 रन कर जाते हैं और बॉलिंग साइड से अगर इकोनॉमिकल बॉलिंग ही कर जाते हैं, विकेट ना निकाले, तो भी दोस्तों आपको 30 पॉइंट ये आराम से दे सकते हैं। वहीं पर दोस्तों दिनेश केसवानी स्पिनर ऑप्शन रहेंगे, विकेट टेकर बॉलर रहने वाले हैं। रिसेंटली अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, हर मैच के अंदर विकेट निकाले हैं और दोस्तों ये अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं अगर इनकी बैटिंग आती है तो। वहीं पर दोस्तों गोपाल कृष्ण की अगर बात करें दोस्तों, इस प्लेयर को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर ये खेलता है तो। एक मैच खेला था, 2 ओवर किए थे, उसके बाद में इनको ड्रॉप है कर दिया गया था। जुनेद शामसुद्दीन रिसेंटली दोस्तों ये भी ड्रॉप हुए हैं, फर्स्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे, उसके बाद दोस्तों 10-12 रन की पारियां खेली थी, उसके बाद में इनको ड्रॉप किया गया था। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, 5 बॉलर्स को यहाँ पे पिक किया हुआ है। मतीउल्ला खान दोस्तों विकेट टेकर बॉलर रहे हैं, रिसेंटली हर मैच के अंदर विकेटें निकाल रहे हैं। तैमूर भाटी दोस्तों इस प्लेयर को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनके 2 ओवर आने फिक्स रहने वाले हैं और ज़रूर इस सीरीज़ के अंदर ज़्यादा विकेट इन्होंने नहीं निकाले हैं, लेकिन दोस्तों बॉलिंग इनकी अच्छी रही है। अभी तक इस सीरीज़ के अंदर 3 मैच खेले हुए हैं, 2 विकेट इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों 2 ओवर किए थे, मात्र 16 रन खर्च किए थे। फर्स्ट मैच के अंदर तकरीबन 2 ओवर किए थे और 12 रन खर्च करके 1 ओवर इन्होंने 1 विकेट इन्होंने निकाला था। उज़ैर खान दोस्तों रिसेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अभी दोस्तों थर्ड लास्ट मैच के अंदर भी मात्र 15 बॉलों के अंदर इन्होंने 50 लगाई थी, साथ में आपको ये बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद जाहिद अली को यहाँ पे पिक किया है, पूरे 2 ओवर आपको करके देने वाले हैं। भाई दोस्तों राहुल भाटिया रिसेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच के अंदर विकेटें निकाल रहे हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर करनाल जाहिद अगर खेल रहे हैं, तो आप इन मोहम्मद जाहिद अली की जगह दोस्तों करनाल जाहिद को आप यहाँ पर रिप्लेस करवा सकते हैं। दोनों के दोनों ही दोस्तों अच्छी ऑप्शन रहने वाले, दोनों को अपनी टीम के अंदर पिक कर सकते हैं, दोनों ही दोस्तों 2 ओवर आपको करके देने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बॉलर को ज़्यादा पिक किया हुआ है, कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, कैप्टनसी के लिए दोस्तों आप उस्मान खान को आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी दोस्तों वॉइस कैप्टन और कैप्टन के लिए अगर आप बॉलर्स को पिक करोगे, तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहने वाला है। नीरज केसवानी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, या फिर दोस्तों मतीउल्ला खान रिसेंटली अच्छी फॉर्म चल रहे हैं, राहुल भाटिया भी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, इनको भी आप अपनी टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा तैमूर भाटी दोस्तों ये अच्छी ऑप्शन रहेगी। इनके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे विकेट कीपिंग ऑप्शन से आप यहाँ पे वासी शाह, सैयद हैदर वासी शाह को जरूर ट्राई कीजिएगा कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए। ग्रैंड लीग टीम के अंदर जरूर थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। T20 के अंदर भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, और T10 जो दोस्तों उन्होंने सैयद CBFS T10 लीग का रिकॉर्ड अगर निकाल के देखें दोस्तों, उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रहती थी, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पे बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल रहने वाली है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वो वीकली रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो अच्छी खासी ऑप्शन बन सकती है। और दोस्तों गोपाल कृष्णन अगर वो खेलते हैं, तो उनको भी आप अपनी टीम के अंदर कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकर बॉलर रहते हैं, स्पिनर ऑप्शन रहेंगे, पूरे 2 ओवर करते हैं, अगर वो खेलते हैं तो उनको भी आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं।